हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर, और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लासेस। इन कॉन्सेप्ट क्लासेस के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार, बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लासेस ही होती हैं जहाँ पर आप फुल फ्लिक पूरी डिप्थ में जा करके अपना रिविज़न करते हैं, अपनी प्रिपरेशन करते हैं। जो कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं उनके बारे में डिटेल्ड में डिस्कस की जाती हैं और नोट्स प्रिपेयर करते हैं, और यही वो चीज़ें हैं जो आपके लाइफ लॉन्ग तक आपके साथ रहती हैं। और जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा क्लियर होता है, उनकी जो MCQs या किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट सक्सेसफुली अटेम्प्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कॉन्सेप्ट क्लासेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और इम्पोर्टेंट आप इतना मान लीजिए कि अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे, सर्च करेंगे, तो आप डालेंगे कॉमर्स MCQ, तो बहुत सारे जो हैं MCQs हो सकते हैं आपको मिल जाए। लेकिन अगर आप डालेंगे यूपी TGT PGT कंप्लीट कोर्स, तो आपको एक भी नहीं मिलेगा। आपको एक ऐसा सिंगल चैनल नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको डिटेल्ड में कॉन्सेप्ट क्लासेस कराई जा रही हैं। आप कराने लगे तो बात अलग है, तो अच्छी बात है, मेरे लिए अच्छी बात है। क्यों है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो किसी भी तरह से कोर्स को नहीं परचेज कर पाते हैं, या उस तरह का मटेरियल उन लोगों को नहीं मिल पाता है जो उन्हें मिलना चाहिए, या केवल एक खाना पूर्ति लगभग रह जाती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को ये सब बताते हैं, मुझे तो पता भी नहीं है, बच्चे बताते हैं ऐसा, तो उन लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँचे। बाकी कॉन्सेप्ट क्लासेस के लिए ही आप पेड में भी जाते हो, पेड में तो कॉन्सेप्ट क्लासेस ही चलती है ना, तो ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो रही हैं, ठीक है। तो आप उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो इस तरह इससे जज कर सकते हैं। एक चीज़ और भी है, मतलब ये ठीक है, बाकी एक मेन चीज़ आप इस चीज़ को समझिए कि मैंने हमेशा एक चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि जितने भी बच्चे जो क्वालिफाइंग हैं या जो क्वालिफाई कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम को, उनके कॉन्सेप्ट पर बड़ी अच्छी कमांड है। इसका मतलब ये कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट A to Z क्लियर है, डेप्थ में है, डिटेल्ड में है, और हमने खुद से नोट्स बना करके मेहनत करके हमने पढ़ा है, केवल हम MCQ पर निर्भर नहीं रहे हैं, तो हम किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम नॉलेज ओरिएंटेड हैं। क्या है? वहाँ पर हम नॉलेज ओरिएंटेड हैं। वहाँ पर हम किसी एक एग्ज़ाम को सेंटर में ला करके प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर हम अपनी नॉलेज को क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं। और वो इंक्रीज करते करते ये हो गया कि मैं हर रोज लगभग एक नए टॉपिक पर चर्चा करता हूँ, और इस तरह से 365 दिन बाद, या 360 दिन, या 300 दिन बाद भी मान लीजिए, तो मेरा जो ग्रोथ परसेंटेज है वो 300 लगभग हो गया है। सीधी सीधी सी बात है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट, अगर आपका कंसिस्टेंसी है और आप कॉन्टिन्यूसली उसको लर्न कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक एफिशिएंसी है अपने सब्जेक्ट को लेकर के, किसी भी टॉपिक को लेकर के, वो उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, एक्सेलेंट हो जाएगी, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लासेस बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही एक कारण है कॉन्सेप्ट क्लासेस को कॉन्टिन्यू करने का। वरना तो बहुत सीधी सीधी सी बात है साहब, एग्जाम आएगा, क्वेश्चंस करा देंगे और बेसिक बेसिक सा रिविजन करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें मज़ा नहीं आता है, पता नहीं क्यों, बट नहीं आता है मज़ा। और मैंने आपसे कहा भी था एक बात, अगर आपको ध्यान में है, कि मैं कभी भी उस चीज़ पर हाथ नहीं लगाता, या वो चीज़ नहीं करता जहाँ पर मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मुझे लगता है कि जब तक बच्चा कॉन्सेप्ट क्लासेस नहीं कर लेगा, मतलब इंडिविजुअली में जब तक मैं कॉन्सेप्ट क्लासेस नहीं, या कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ लूंगा, तब तक मुझे चीज़ें नहीं आएंगी। तो मुझे लगता है कि बाकी का भी साथ भी ऐसा ही है, ज़्यादातर ऐसा है। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा साधारण, मतलब कह सकते हैं कि बहुत आराम से सीखने वाला व्यक्ति है ना। हो सकता है बहुत तेज़ी से भी सीखने वाले बच्चे होते हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं, मैं उस चीज़ पर नहीं जा रहा हूँ, मैं एक जनरल फेनोमिना बता रहा हूँ कि भाई जो सीखने की स्पीड है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कम समय में बहुत ज़्यादा सीखना है, ठीक है, इतना सीखना है कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा 100% हो जाए। माना कम समय में आपने ज़्यादा सीख तो लिया, लेकिन उसका रिजल्ट निकल करके नहीं आ रहा, उसका आउटपुट निकल करके नहीं आ रहा, तो ऐसे में समय और टाइम और एफर्ट दोनों का नुकसान होगा। तो बेहतर है कम समय में कम पढ़ा जाए, या ज़्यादा समय में कम पढ़ा जाए, लेकिन उसका रिजल्ट जो निकल करके आए वो 100% निकल करके आए, तो मज़ा आएगा। क्लियर है? तो जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना,
और जितने भी पीछे हम कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं उन कॉन्सेप्ट्स को एक बार आप देख लीजिए, ठीक है, नोट्स बनाइए, और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट क्वेरी आती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुँचाने का, ठीक है, ताकि चैनल का जो मोटो है कि सब तक शिक्षा पहुँचे वो पूरा हो सके, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लास्ट हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट की वो हमने की है, ठीक है। नगद प्रवाह विवरण हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें जो परिचालन गतिविधियां हैं उसके बारे में हमने किया था, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया है। बाकी आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं वित्तीय गतिविधियाँ। किसी भी फर्म के अंदर तीन तरह की गतिविधियां की जाती हैं, एक तो परिचालन माने ऑपरेटिंग, जो विनियोग है माने निवेश माने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, या वित्तीय माने फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीन एक्टिविटीज जो है गतिविधियां की जाती हैं। परिचालन माने ऑपरेटिंग हम कर चुके हैं, कल ही हमने उसको समाप्त किया है, जो भी बच्चे नहीं देख पाए थे एक बार देख लीजिएगा। दूसरी गतिविधि माने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब क्या है, निवेश, ठीक है। तो जो निवेश गतिविधियां हैं उसको आज हम करने वाले हैं, उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, फॉर्मेट्स बनाना सीखेंगे, कौन कौन से आइटम्स जाते हैं, किस तरह से वो क्वेश्चन बन सकता है वो सब डिस्कस करेंगे, और फिर कल हम वित्तीय गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे, और इस तरह से कल आपका जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा। तो आराम आराम से कर रहे हैं, लेकिन कर किस तरह से रहे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, वहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने हम आसानी से उसको अटेम्प्ट कर लें। तो ये रहा आपके सामने आज का पहला स्लाइड, ठीक है, निवेश गतिविधियां। निवेश माने क्या, ये मैं हूं, ये मेरी फर्म है, माना AM अधिगम मंत्रा, मानो अधिगम मंत्रा पिछले 10 साल से काम कर रहा है, मान के चलो कितने साल से काम कर रहा है, 10 साल से काम कर रहा है, और इसमें एक डिजिटल बोर्ड था, क्या था, डिजिटल बोर्ड नहीं ले रहे, इसको हम अब फर्नीचर ले लेते हैं जिसपे बच्चे बैठते हैं, फर्नीचर ले लेते हैं। अब 10 साल बाद सब कुछ चेंज हो गया, मैं अपना मॉडिफिकेशन करा रहा हूँ, तो ये जो फर्नीचर था ये क्या हो गया, ये ऑब्स्टिकल हो गया, मैंने अब ये जो है चलन में नहीं रहा, अब मैं नया फर्नीचर इंस्टॉल करना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं फर्नीचर को जब खरीदूंगा तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, निवेश कहलाएगा। अच्छा, निवेश तो कहलाएगा, लेकिन ये इनफ्लो कहलाएगा या आउटफ्लो कहलाएगा, ये आउटफ्लो ऑफ कैश कहलाएगा, क्योंकि पैसा जाएगा तभी तो फर्नीचर आएगा, है ना। अच्छा, यहां पर कहानी ना थोड़ी सी अलग है, मैंने फर्नीचर ऑब्स्टिकल हो गया, अब उसको क्या करना है, बेचना है, तो जब फर्नीचर आप बेचोगे तो वो भी किसकी कैटेगरी में आता है, निवेश की कैटेगरी में आता है, लेकिन अंतर क्या है, अंतर यह है कि यहाँ पर पैसा आ रहा है, माने जब आप, ये क्या है, इनफ्लो है, ये क्या है, हमारा इनफ्लो है, माने जब आप अपनी संपत्तियों को बेचोगे तो उससे पैसा आएगा, पैसा क्या आएगा तो क्या क्या लाएगा, इनफ्लो क्या लाएगा, और इनफ्लो को हम प्लस करेंगे और आउटफ्लो को हम माइनस करेंगे, दो बातें क्लियर हो गई। तीसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि सर अगर इसमें जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पॉजिटिव साइन अच्छा माना जाता है ना, लेकिन तो क्या सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव साइन अच्छा माना जाता है या नेगेटिव साइन अच्छा माना जाता है, तो बेटा इसका नेगेटिव साइन अच्छा माना जाता है, ये अच्छा नहीं माना जाता। क्या बात कर रहे हो सर, सर आपकी फर्म से बार बार पैसा जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा जाएगा, तो आपकी फर्म के लिए अच्छा है बुरा है, अच्छा है, लेकिन कब, अगर वो इन्वेस्टिंग पर्पज से जा रहा है तो, हाँ ये हो सकता है, माने हम क्या कर रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका हमें रिटर्न मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में काम आने वाली चीज़ है। क्लियर हो गई ये वाली बात। चौथी इंपॉर्टेंट इसमें जो बात है वो ये है कि इसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो इन्वॉल्व होता है, 50 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, छोटी मोटी रकम इसमें शामिल नहीं होती है। क्लियर है ये वाली बात। चलिए, यही सब कुछ आपका जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है, आ जाए। इसके बाद हम इसका जो ट्रीटमेंट है वो करते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, अगर आपकी कोई एसेट है बढ़ रही है, जैसे आपका फर्नीचर था,
2021 में आपका फर्नीचर था 2 लाख रुपए मान लो, चलो 2022 में ये फर्नीचर हो गया 2,50,000 का। तो आपका जो फर्नीचर है वो प्लस हुआ क्या माइनस हुआ? तो आपका हो गया सर प्लस हो गया। क्या हो गया? आपका फर्नीचर प्लस हो गया। अब प्लस हो गया तो ये इनफ्लो कहलाएगा कि आउटफ्लो कहलाएगा? तो आपका हो गया सर आउटफ्लो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये आउटफ्लो, क्योंकि पैसा जा रहा है। तो इसका मतलब ये कि अगर एसेट बढ़ेगी तो आप उसको किस में लिख दोगे? एसेट अगर, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड रुकना जरा। एसेट बढ़ गई ना, हाँ, तो एसेट अगर बढ़ी है तो तुम्हारे पास से क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है। तो तुम्हारे पास से पैसा जा रहा है तो क्या होगा? आउटफ्लो होगा। क्या होगा तुम्हारे लिए? आउटफ्लो होगा। और जब भी आउटफ्लो होता है तो हम उसको क्या करते हैं? जब भी आउटफ्लो होता है तो उसको हम क्या करते हैं बताइए? जब भी आउटफ्लो होता है तो उसको हम माइनस करते हैं, है ना? ऐसी ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स, अगर कोई जैसे मशीन है, क्या है? मशीन है, मशीन 2021 में 10 लाख की थी और 2022 में वो 8 लाख की रह गई, तो 2 लाख से क्या हो गया? कम हो गया। 2 लाख से क्या हो गया? कम हो गया। अब यहां पर कम होने का दो मतलब हो सकते हैं, होने के क्या हो सकते हैं? दो मतलब हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? कि या तो सर आपने उसको बेच दिया या उस पर डेप्रिसिएशन लग गया। भाई इंक्रीज तो डेप्रिसिएशन से हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अगर आपकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, आपकी वैल्यू क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। तो अगर आपकी वैल्यू डिक्रीज हुई है तो आप उसको दो तरह से मानोगे, अगर सेल मानोगे या डेप्रिसिएशन। अगर सेल मानोगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा क्योंकि पैसा आ रहा है, और अगर डेप्रिसिएशन मानोगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको करना प्लस ही है, लेकिन अगर उसको एज अ इन्वेस्टिंग मान रहे हो तो इन्वेस्टिंग में जाएगा, और एज अ डेप्रिसिएशन मान रहे हो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। क्या यहाँ तक ये वाली बात समझ में आ गई? दोबारा मैं बताता हूँ, अगर मशीन बढ़ रही है तो उसको परचेज कंसिडर करेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब है परचेज का मतलब क्या? आपके पास से पैसा गया, पैसा गए का मतलब है आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। वहीं पर अगर वैल्यू डिक्रीज होती है तो डिक्रीज होने के दो मतलब निकलेंगे, या तो सेल कर दी वो गुड्स या डेप्रिसिएशन लग गया, है ना? तो इन दोनों में से जो भी चीज़ आप कंसिडर करेंगे उसके बेसिस पर डिसाइड होगा। जैसे मानो आपने डेप्रिसिएशन काउंट किया कि भाई हम इसको डेप्रिसिएशन कंसिडर कर रहे हैं, तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे उतना अमाउंट। वहीं अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मुझे डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं करना है, मुझे इसको क्या कंसिडर करना है? सेल कंसिडर करना है, तो आप उसको क्या कर दोगे? सेल्स में एज अ प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट करके क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे क्योंकि पैसा आता है। क्लियर है? क्लियर है ये वाली बात। इसके अलावा तीसरी जो मेन बात है, चाहे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, डिविडेंड रिसीव्ड हो, रेंटल इनकम हो, ये सभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाती हैं और इन सभी को प्लस किया जाता है। एक चीज, दूसरी बात, डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड पेड में अंतर है। अगर यही सारी चीजें पेड में आ जाएंगी तो उसे हम फाइनेंसिंग में डाल देंगे। क्लियर है ये वाली कहानी? चलिए, आई होप यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी। अब ये इसका क्या है? फॉर्मेट है, क्योंकि ये इसका फॉर्मेट है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट माने अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त। फिक्स्ड माने चाहे वो टेंजिबल है चाहे इनटेंजिबल है। माना आपकी गुडविल है या आपके पेटेंट हैं या आपके कॉपीराइट हैं, उनको बेचने से पैसा प्राप्त हुआ, प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट को सेल करा, मार्केटेबल सिक्योरिटी को छोड़कर। मार्केटेबल सिक्योरिटी को ही क्यों छोड़ा? क्योंकि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कंसीडर की जाती है। किस में कंसीडर की जाती है? वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में उसको कंसीडर किया जाता है। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, अगर आ गई है तो। लोन एंड एडवांसेस रीपेमेंट, अब रीपेमेंट माने
जो हमें लोन और एडवांस मिले थे उसको हमने क्या कर दिया, रीपे कर दिया। ये माइनस में आएगी टर्म यहाँ पे, इसको मैं माइनस में लिख देता हूँ यहाँ से, माइनस 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 और माइनस। अच्छा लोन्स, अच्छा ये सॉरी सॉरी एक मिनट रुको, क्या हो क्या रहा है यार, ये रिसीव्ड वाली बात आ रही है, अभी पेमेंट वाली बात नहीं आ रही बेटे, यहाँ पे ना रिसीव्ड वाली बात आ रही है। तो लोन्स एंड एडवांसेस रिसीव्ड लिखा हुआ है ना, तो रिसीव्ड को हम क्या कर देंगे प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम रिसीव्ड, तो इनकम रिसीव्ड है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर पैसा कहीं से भी आ रहा है तो प्लस होगा, और अगर पैसा जा रहा है, मैंने परचेज किया है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट किया है, या लोन्स एंड एडवांसेस का रीपेमेंट किया है, दिए हैं, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, माइनस में आ जाएगी। अब जब आप इनको देखेंगे तो प्लस माइनस करेंगे तो या तो आंसर पॉजिटिव आएगा या आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। माने या तो प्लस में आएगा या किस में आएगा, माइनस में आएगा। प्लस में आता है तो फ्लो यूज फ्रॉम का वर्ड यूज करेंगे, और अगर माइनस में आता है तो यूज इन का। और मैंने अभी आपको बताया कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नेगेटिव बैलेंस जो होता है वही क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है। क्या माना जाता है उसे, अच्छा माना जाता है। क्लियर है ये वाली बात? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ना कुछ अकाउंट्स बनते हैं, आपने ये 11th क्लास में बनाए होंगे, जैसे फिक्स एसेट्स से अगर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड है, तो आपको पता है फिक्स एसेट्स में जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मशीनरी अकाउंट, क्या लिख दिया, मशीनरी अकाउंट। अब आपको पता है मशीनरी क्या है हमारे लिए, एसेट है सर। वेरी गुड, एसेट का मतलब क्या होता है सर, रियल, और रियल का फॉर्मूला क्या है, डेबिट ऑल द एसेट्स या डेबिट डॉट कॉम से, तो एसेट को क्या करते हैं डेबिट। तो इसका मतलब यह है कि मशीनरी का बैलेंस कैसा होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। पहली कहानी खत्म। वही अगर बैलेंस बीडी यहां पर है तो बैलेंस सीडी कहां पर होगा, यहां पर होगा, अपोजिट में होता है, सेम जगह पर कभी नहीं होता। दो बातें क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा कि जब आपके पास जैसे सपोज करो 50,000 की मशीन है आपके पास, कितने की मशीन है, 50,000 की आपके पास मशीन है, या 40,000 मान लो, कुछ भी मान लो, मानने को क्या है, जैसे 40,000 आपके पास क्या है, मशीन है, और ये मान करके चलो लगभग लगभग 50,000 इसका क्लोजिंग बैलेंस है जो गिवन है, ये हमेशा गिवन होता है। माने ये करंट प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है, और ये जो है करंट ईयर का क्लोजिंग है, ठीक है, या ये करंट ईयर का ओपनिंग है, ये करंट ईयर का क्लोजिंग है, कैसे भी आप समझ सकते हो, ठीक। अब कोई पुरानी मशीन है, क्या है, कोई पुरानी मशीन है, अब उस मशीन पर डेप्रिसिएशन लग गया 10% से, तो क्या लगा रहे, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, तो उसके हिसाब से लगाना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन अब ये मान करके चलो कि जो हमारा डेप्रिसिएशन लगा है ना, जो हमारा क्या लगा, डेप्रिसिएशन लगा, तो जो डेप्रिसिएशन हमें लगा है वो कितना लगा है, क्या मान करके चल सकते हैं भाई, डेप्रिसिएशन हम मान करके चल रहे हैं 30,000 मान लेते हैं, 3,000 मान लो, कितना मान लेते हैं, 3,000 का डेप्रिसिएशन हम मान लेते हैं, ठीक है। 40,000 की मशीन पे 3,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो मशीन कितने की बची सर, 37,000 की। बहुत बढ़िया, और इसमें आपका नुकसान और हो गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो जो नुकसान हुआ है वो कितने का हुआ है, 200 रुपये का हुआ है ना, ये हो गई क्लियर बात, क्लियर है। और फाइनली आपने उस मशीन को बेचा कितने में है, मैं ना एक बार हट जाता हूँ, मेरे ख्याल से मेरा हिंड्रेंस लग रहा होगा आपको, ये यहाँ पर आ गए साहब, और ये हो गए हाइट, और ये आ गया यहाँ पर शो, क्लियर है, सब दिख रहा होगा, क्लियर, मैं भूल गया था हटाना। बैंक अब बेची कितने में है, तो मान करके चलो 48 रुपये में मशीन बेची है, और बताओ छोड़ो, अब इसका टोटल कर लो, 48, 49, 50, 55 और 3, 58, अब ये कितना है 40, तो 18,000 का डिफरेंस आ गया, कितने का डिफरेंस आ गया, 18,000 का, यहाँ पर कितना आएगा, 58,000। तो ये 18,000 क्या कहलाएंगे भाई, ये तो टू बैलेंस बीडी हो गया, और ये क्या हो गया 18,000, बताओ ये 18,000 क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बैंक, बैंक माने परचेज, बैंक क्या कहलाएगा, परचेज कहलाएगा। तो
बस सिंपल कहानी हो गया। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखने वाली बात है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर जाएगी। देखिए डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाता है। ये भी क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बैंक क्योंकि सेल की है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर परचेज किया है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इनको इनकी जगह पर क्या करना है, पहुँचाना है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का तो आपको पता ही है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का भी आपको पता चल गया कि भाई किन चीज़ों को हमें प्लस में करना है और किन चीज़ों को हमें माइनस में रखना है। क्लियर है यहाँ तक ये वाली बात, कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बता देना। दूसरा बनता है ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट में हमारा जो है डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनता है, ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेगा कि ठीक है, अंडर विच मैथड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हैज़ बीन मेंटेन्ड। ठीक है, तो उसमें डेप्रिसिएशन के जो है तीन चार पार्ट वो दे देगा। तो एक तो फिक्स्ड है, इंस्टॉलमेंट है, ऑन कॉस्ट है, या जो अभी हमने पढ़ा था लेटेस्ट रिटन ऑन वैल्यू मेथड। तो ये बेसिकली किससे बिलोंग करता है, कॉस्ट मेथड से बिलोंग करता है। ठीक है, और जो इससे पहले हमने किया था वो किससे किया था, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से किया था। क्लियर है ये वाली बात, बहुत बढ़िया। तो सेम सेम कहानी है, कोई क्लोजिंग बैलेंस ओ सॉरी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। मशीन बेचोगे तो क्रेडिट में और मशीन खरीदोगे तो डेबिट में। लॉस होगा तो यहाँ पर, और अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर, है ना। लॉस होगा तो यहाँ पर, प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर। एक्यूमुलेटेड डेप्री, ठीक है। अब आ गया प्रोविजन। प्रोविजन क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट का ओपनिंग और क्लोजिंग किसका आ गया, डेबिट का आ गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद डेप्रिसिएशन देगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता क्या है वो समझने वाली बात है। एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होता है उसको संचयी, एक्यूमुलेटेड तो संचयी हो गया और डेप्रिसिएशन हो गया ह्रास। एक्यूमुलेटेड माने संचय ह्रास। अब संचय ह्रास क्या होता है तो उसको समझो, संचय ह्रास वो टर्मोलॉजी होती है जहां पर फर्म हर साल डेप्रिसिएशन ना निकाल करके एक ही साथ डेप्रिसिएशन निकाल देती है, उसी को क्या कहा जाता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहा जाता है। जब मशीन भी खरीदी होती है तो उस वक्त उस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है ये वाली बात, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या हो तो बता देना। ठीक है, अब यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि भाई सर हमें यह समझ आ गया कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा, क्लोजिंग यहाँ पर आएगा। तो उस पे जो एसेट है उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कहाँ पर लगेगा, उस पर जो डेप्रिसिएशन है वो कहाँ पर लगेगा। तो देखो अगर डेप्रिसिएशन पे वाली बात आ रही है कि भाई मैं डेप्रिसिएशन क्या है पे कर दूंगा तो यहां पर जाएगा लेक। ठीक है कि भाई हमने टोटल इतना डेप्रिसिएशन पे किया और वो यहां से उठ करके सीधा चला जाएगा यहां पर। यहां से उठ करके सीधा चला जाएगा वो कहां पर, ठीक है ना। ठीक, इन दोनों को प्लस कर देंगे वो टोटल यहां पर लिख लेंगे और इनका जो भी बैलेंस निकल करके आएगा वो यहां पर आ जाएगा। क्लियर है ये वाली बात, इन दोनों का इनका सम करोगे, इसका सम करोगे, इनमें से कोई एक फिगर निकल करके आ जाएगी। चाहे तो सेल आ सक सॉरी परचेज आएगा, यहां पर सेल लिख दिया मैंने, चाहे तो यहां पर परचेज लिख लो, चाहे यहाँ पर सेल लिख ही रहा है ना। और ये क्या है, प्रॉफिट है, और ये क्या है, लॉस है। क्लियर है वाली बात, ये 11th क्लास में तुम्हारे बनाए हुए हैं सब। इन्वेस्टमेंट अकाउंट सेम कहानी है, सेल परचेज ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, और ये क्या आएगा, क्या आएगा ये वाला प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस बताओ फटाफट से क्या आता है यहां पर। यहां पर आता है लॉस और यहां पर क्या आता है, प्रॉफिट। मैं गलत तो नहीं कर गया, एक मिनट रुकना जरा,
अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट और यहाँ पे लॉस। ओहो ये तो गड़बड़ कर दी मैंने। एक सेकंड दो भाई। अब यहाँ पे ये क्या है, ये जो है यहाँ पर कंसिडर किया जाता है लॉस, ये लॉस वाली कहानी है, और ये क्या है, ये प्रॉफिट वाली कहानी है। और कहाँ कहाँ कर दिया तो मैंने लिखा ही नहीं था। हाँ ये रहा ना, देखो मैं प्लस किया हुआ है, ट्रीटमेंट सही कर रहा हूँ लेकिन वो गलत लिख दिया। यहाँ पर मेरे ख्याल से मैंने गलत किया, तो ये लॉस नहीं आएगा और ना ही यहाँ पर प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे आएगा लॉस और यहाँ पे आएगा प्रॉफिट, ये है कहानी, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन पेड यहाँ पर आ गया, बाकी सब इसका बैलेंस हम निकाल ही देंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर लॉस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, सेल आ गया, प्रॉफिट आ गया, परचेज आ गया, इसका क्या कर दो, बैलेंस निकाल दो, सिंपल कहानी। इसके बाद आपसे पूछ लेगा ये वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो सभी हम एक एक करके क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है ये वाली बात, यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, दो ईयर दिए हुए हैं 22 और 21, माने ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है। तो हमें गाड़ी ऐसे चलानी है, तो जब गाड़ी ऐसे चलेगी तो हम ये देखेंगे कि पहले इन्वेस्टमेंट कितने के थे, 1,50,000 के थे, अभी कितने के, 1,50,000 के। तो इनमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आया है, तो ये तो हट गया एज इट इज। अब बारी आई मशीनरी की, पहले मशीन कितने की थी, 3 लाख की थी, अभी कितने की है, 4 लाख की है। तो अगर 4 लाख की मशीन है, कितने की मशीन है, 4 लाख की मशीन है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे परचेज, क्या लिख दोगे, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी कितने रुपए, 1 लाख रुपए, ठीक है ना, कितने रुपए, 1 लाख रुपए, क्लियर है। नेक्स्ट ये भी हो गया, पेटेंट्स भी हमारी संपत्ति कहलाती है इंटेंजिबल, तो 80,000 के थे, 50,000 के रह गए, क्या 80,000 के थे और कितने के रह गए, 50,000 के रह गए, है ना। तो जब 80,000 की चीज़ कितने में रह जाए, 50,000 में, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, हाँ एक सेकंड, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, 1 लाख ये माइनस में जाएगा, माइनस में क्यों जाएगा सर, क्योंकि 3 लाख के थे, 1 लाख के हो गए, इसका मतलब हमने परचेज कर लिया, 80,000 के थे, 50,000 के रह गए, तो पेटेंट्स क्या हो गए हमारे, कम हो गए, पेटेंट्स क्या हो गए हमारे, कम हो गए। तो अब पेटेंट्स अगर कम हो गए हैं तो चलो इसको हम देखेंगे, तो इसको ना मैं टैप कर रहा हूँ, टैप क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पेटेंट का एक एडजस्टमेंट है, तो ये जब तक एडजस्टमेंट नहीं होगा इसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। गुडविल का कुछ नहीं है, गुडविल कितने की थी, 55 की थी, अब कितने की हो गई, 45 की हो गई, है ना। गुडविल कितने की थी, 55 की थी, अभी कितने की हो गई, 45 की। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपने गुडविल लिया है इसको आप दो तरीके से कंसिडर कर सकते हो, या तो आपने सेल किया हो, या आपकी जो गुडविल है ना, आपकी जो गुडविल है वो क्या हो गई हो, राइट ऑफ हो गई हो, क्या हो गई हो, राइट ऑफ हो गई हो, क्या हो गई हो, राइट ऑफ हो गई हो। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ना कई बार आप नोट बना लो, जैसे ये है ना, किसी भी तरह का कोई भी एक नोट बना लो, जैसे यहाँ पर आपने लिख लिया नोट गुडविल इज ट्रीटेड एज एमोर्टाइजेशन, हो जाएगा काम। या क्या कर सकते हो, गुडविल इज ट्रीटेड एज एन एसेट, तो फिर वो यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर है। तो अभी इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, मैंने एमोर्टाइजेशन कर रहे हैं। 9% इन्वेस्टमेंट, 1,50,000 के थे, 2 लाख के हो गए, तो जब 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट 2 लाख का हो जाता है, 9% इन्वेस्टमेंट, तो आपने कितने के उसे बेचे हैं, तो इन्वेस्टमेंट का भी, इन्वेस्टमेंट का भी है, तो ये भी बाद में होगा। अब बारी आ गई बिल्डिंग की, बिल्डिंग वॉज परचेज एज एन इन्वेस्टमेंट वॉज कमर्शियल पर्पज फॉर रेंट, रेंट रिसीव हो रहा है 30,000 रुपये, बहुत बढ़िया बात है, तो रेंटल इनकम हो गया, क्या हो गया, रेंटल इनकम हो गया, कितने रुपए हो गए, 30,000 रुपए हो गए, बोलो बात क्लियर हो गई ये वाली।
अब क्या कह रहा है? और बिल्डिंग पर सेम है। अब हमसे पूछ रहा है, एक तो हमें ये वाला नहीं बनाना, डिविडेंड रिसीव्ड 10% है, डिविडेंड रिसीव्ड 10% है तो डिविडेंड रिसीव्ड भी कर ही लेते हैं, ये भी क्यों छोड़ना है। अच्छा, डिविडेंड किस पर दिया जाएगा, ये बड़ा प्रश्न है कि डिविडेंड रिसीव्ड जो है वो किस पर दिया जाएगा। तो डिविडेंड 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 तो इस ही पर दिया जाएगा, और कितने अमाउंट पर दिया जाएगा, है ना, ये भी तो एक विषय है कि किस अमाउंट पर दिया जाएगा डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव्ड। तो एक बात ध्यान में रखना, डिविडेंड रिसीव्ड जब भी होगा वो प्रीवियस ईयर पर होगा। तो प्रीवियस ईयर कितना है, 1,50,000। तो 1,50,000 का 9% अगर मैं निकालूं, तो ये आएगा आपका 13,500। कितना निकल करके आएगा, 13,500। क्लियर है ये वाली बात? सॉरी सॉरी, नो क्यों, 10% है, मैं गलत बोल गया, पता नहीं क्या मिस्टेक हो रही है आज। 10%, 15,000 रुपये। तो डिविडेंड कितना आ गया, डिविडेंड रिसीव्ड 15,000 रुपये। कैसे निकल करके आया, डिविडेंड रिसीव्ड एट द रेट 10% पर एनम। क्लियर है वाली बात? यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ वापस से क्वेश्चन में, तो ये वाली कहानी भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब हमारा क्या बचा, परचेज ऑफ मशीनरी हो गई क्या, परचेज ऑफ मशीनरी हो गई, और इन्वेस्टमेंट आ गया, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट रह गया, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये रह क्यों गया है वो देखो, देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1,50,000, क्लोजिंग कितना है, 2,00,000, 1,50,000 और 2,00,000। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया। तो इन्वेस्टमेंट परचेज किए 1,00,000 के, इन्वेस्टमेंट कितने के परचेज किए हैं, 1,00,000 के, तो 1,00,000 रुपये का ये बैंक हो गया जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, मान के चल रहे हैं 1,50,000 और 1,00,000, ठीक है। और क्या दे रखी है इन्फॉर्मेशन, सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। तो प्रॉफिट वाली बात है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 15,000 का हो रहा है, 15 का 10 का, 10,000 का, कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे भी। दस हजार रुपये का क्या हो गया आपका, ये एक ब्लॉक हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना है आपका, 2,00,000 है, और क्या दे रखा है इसमें, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000 के हैं, फॉर द ईयर वॉज ड्यूली रिसीव्ड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। ओके, 9% इन्वेस्टमेंट है, 1,00,000 के बेच दिए, प्रॉफिट 10,000 का हो गया, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 12,000 है, तो 12,000 भी जो जाएगा वो तुम्हारा लिखा जाएगा, तो उसको भी किस में लिख दो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में लिख दो। आ जा भाई, कहाँ चला गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तुम्हारा निकल करके बैठेगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तुम्हारा जो बैठेगा वो कितना बैठेगा, 12,000 दिया हुआ है, बैठने का बैठाने की ज़रूरत ही नहीं, कितना दिया हुआ है, सीधा सीधा 12,000 रुपये दिया हुआ है। तो ये भी क्या है, हमें मिल रहा है पैसा, हमारे पास क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद रेंटल इनकम हमारा हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, परचेज ऑफ ये हो गया, इसके बाद हम एक डिविडेंड रिसीव्ड हमारा हो गया है, यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ काम नहीं है, पेटेंट का अकाउंट और बना लेते हैं, यहाँ पर किसका अकाउंट और बना लेते हैं, पेटेंट्स का। तो पेटेंट्स के लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए 80,000 और 50,000, 80,000 और 50,000, और क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में, 80,000 और 50,000 पेटेंट्स है ना, पेटेंट्स 10,000 के जो हैं वो रिटर्न ऑफ हो गए,
कितने के हो गए, 10,000 के वो रिटर्न ऑफ हो गए, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा 10,000 रुपये। क्लियर है? इसके बाद और क्या हुआ है? पेटेंट ऑफ रुपीज 10,000 वर रिटर्न ऑफ एंड सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट। पेटेंट ही बना रहे हो ना? हाँ, तो कुछ पेटेंट को तो इन्वेस्ट कर दिया प्रॉफिट पर, कितने के प्रॉफिट कहेंगे, पेटेंट ऑफ 10,000 रिटर्न ऑफ सम पेटेंट्स वर सोल्ड, कुछ पेटेंट तो राइट ऑफ कर दिए, तो कितने के, 10,000 के, वो हमने लिख ही दिया। और कुछ को क्या कर दिया हमने, कहेंगे सोल्ड कर दिया, कितने के प्रॉफिट पर, 5,000 के प्रॉफिट पर। तो ये क्या हो गया हमारा, 5,000 का प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया हमारा, ये 5,000 का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? आ जाइए, कहोगे सॉरी लॉस है भाई, लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। तो लॉस कहां पर जाएगा, यहां पर। ये जो स्वैप करना पड़ रहा है ना, यहीं पर समस्या हो रही है ना। ये अगर स्वैप नहीं करना पड़ता ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि आप ना एक बार उसका स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से करके देखना, 10,000 5,000, ठीक है? क्लियर है ये वाली बात, 10,000 और 5,000। अब क्या बच रहा है इसमें, ठीक है, 10,000 और 5,000 ये आ गए। तो आपने बेचे कितने के प्रॉफिट पर हैं, 10,000 के। रिटर्न ऑफ कितने करे हैं, 10,000 करे हैं, बहुत सुंदर। तो इसका मतलब ये है कि आपके ईयर के लास्ट में पेटेंट कितने बच रहे हैं, 50,000 के बच रहे हैं। वो आपने लिख लिया क्या, लिख लिया 80,000 50,000 10,000 और 5,000। तो बेटे सीधा सीधा सा इसका बैलेंस निकाल दो, तो 80,000 तो ये हो गया और 80,000 ही ये हो गया, तो इसका बैलेंस निकल करके आ जाएगा 50, 60, 65 और 15, 80। अब ये जो हैं, ये तो हैं सेल के, ठीक है, और ये जो 5,000 थे, ये थे लॉस के, और ये जो 10,000 हैं, ये थे किसके, ये भी ये इसके थे, रिटर्न ऑफ जो हुआ है हमारा। अरे भैया रुक जा, कैसे हो रहा है, कभी कभी होता है ना, ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं। राइट ऑफ, ठीक है, और ये जो 50,000 है, ये किसके हैं, सीडी के हैं, और ये किसके हैं, बीडी के हैं। अब यहां पर क्या जाता है, यहां पर तो भाई एक ही चीज जाएगी, यहां पर तो एक ही चीज जाएगी, वो भी क्या जाएगा, सेल जाएगा। तो सेल ऑफ पेटेंट, सेल ऑफ पेटेंट, तो जब सेल ऑफ पेटेंट हम लोग करेंगे तो वो कितने के करेंगे, 15,000 के करेंगे। कितने के करेंगे हम, 15,000 के करेंगे। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ये सब हो गया, इसका टोटल कर लो, तो ये हो गया 2,60,000, 2,60,000। तो यहाँ पे बैलेंस कितना बच गया, 60,000। अब ये जो बैलेंस बचा है, ये कहलाएगा सेल, ये कहलाएगा सीडी, ये कहलाएगा बीडी, ये कहलाएगा परचेज, और ये कहलाएगा प्रॉफिट। तो परचेज 1,00,000 का है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का है, 1,00,000 का है, तो माइनस हो जाएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो है 60,000 का, कितने का है, 60,000 का। क्लियर है? बस इसके अलावा तो कुछ बच ही नहीं रहा है। डिविडेंड हो गया है क्या, डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो ही गया है। तो एक बार ना इसको मैं देख लेता हूँ कि कहीं पर हमारा कुछ बच तो नहीं रहा। देखिए, इन्वेस्टमेंट हमने बना लिया, मशीनरी हमने बना लिया, पेटेंट हमने बना लिया, गुडविल हमने राइट ऑफ कर दिया था, एमर्टाइज्ड 9% इन्वेस्टमेंट हमारा हो गया। इन्वेस्टमेंट पर ऑलरेडी से इंटरेस्ट दिया हुआ है 12,000 का, ठीक है। ठीक है, क्लियर यहां तक कहानी। बिल्डिंग हमारा हो ही गया है, ये तो इसमें कुछ था ही नहीं, पीस ऑफ बिल्डिंग का ही हमने रेंटल इनकम लिख लिया, डिविडेंड हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसका जो है वो टोटल करते हैं,
तो इसका जब हम टोटल करेंगे तो 2 लाख तो माइनस में आ रहा है, बाकी का ऐड कर लेते हैं। 30, 40, 45, 45, 50, 60, 60, 120, 120, 130, 132, तो 32,000 जो है वो आपका, एक सेकेंड, 30,000, 15,000, 12,000, 15,000 और 60,000, 1,32,000, 1,32,000। और आपका नेगेटिव कितना बैठ रहा है, 2 लाख, तो आपका 68,000 किस में आंसर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और यही आपका कहलाएगा कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई? इफ यस देन टेल मी, क्या ये वाली बात क्लियर हो गई? क्लियर है यहां तक ये वाली कहानी, है ना, समझ आ गया? तो ये आप ना एक बार देख लेना, ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? चलिए मैं भी आ जा ही जाता हूँ, है ना, दिख जाऊँ, चलिए ठीक है। तो ये एक चीज़ है, तो इस तरह से हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जनरली करते हैं। देखिए, अगर आपको कहीं पर भी किसी भी तरह से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, एक चीज़ का बेसिकली ध्यान रखिए आप, कि अगर एसेट बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि पैसा आ रहा है, सॉरी, हाँ, पैसा जा रहा है। अगर एसेट बढ़ रही है तो पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। पैसा जा रहा है तो माइनस होगा। अगर एसेट बेच रहे हो या किसी भी फॉर्म में पैसा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका पैसा प्लस हो रहा है। अगर पैसा प्लस हो रहा है तो प्लस, पैसा माइनस हो रहा है तो माइनस, उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। अब केवल ध्यान में क्या रखना है कि इन्वेस्टमेंट क्या है, मैंने इन्वेस्टमेंट आपको पता होना चाहिए, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंटल इनकम, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मेरे इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं, ठीक है। दे आर द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, पेड आर नॉट अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जैसे इंटरेस्ट पेड है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, बट इंटरेस्ट रिसीव्ड इज द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? दूसरी चीज, किसी भी एसेट में पैसा लगा रहे हो, चाहे वो टेंजिबल है चाहे इनटेंजिबल है, राइट, कोई भी लोन है, एडवांस है, चाहे शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है, डजेंट मैटर, होने चाहिए, तो वो सारी की सारी हमारी एक्टिविटी क्या कहलाती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाती है। बस इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, आप सर आपके हाथ में आ जाएगा। कल जो हम डिस्कस करेंगे वो लास्ट एक्टिविटी करेंगे, दैट इज फाइनेंस माइनस वित्तीय गतिविधियां, ठीक है। वो भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, अगर पैसा आ रहा है तो पैसा जा रहा है तो कुल मिलाकर के कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वहां पर पैसे का आना और पैसे का जाना, केवल इन्हीं दो चीजों पर जो है वो चर्चा की जाती है। क्लियर है ये वाली बात? तो चलिए मिलेंगे कल आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया और समझ में आया, और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा आज का लेक्चर, मैंने आपने क्या सीखा और किस तरह का लेक्चर आपको लगा। कोई क्वेरी है, प्रॉब्लम है, डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ सके, ठीक है। बाकी मिलेंगे कल, जय हिंद।